तो भाई और बहनों कैसे हैं आप सभी। तो मेरे भाई यार आज की इस वाली वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं ब्लॉक्स फ्रूट को। यस मेरे भाई आज की इस वाली वीडियो में हम लोग ब्लॉक्स फ्रूट को खेलने वाले हैं। और यार जिस भी भाई को नहीं पता ये ब्लॉक्स फ्रूट क्या है, तो मेरे भाई ये एक रोब्लॉक्स के अंदर ये गेम है ब्लॉक्स फ्रूट, और यह वर्ल्ड फेमस गेम है। बहुत ही बढ़िया गेम लगती है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। सो जिस भाई ने अभी तक खेलना स्टार्ट नहीं किया तो मेरे भाई आप खेलना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी गेम है, इंटरेस्टिंग गेम है। और यार मेरे भाई आज की इस वाली वीडियो में मैं अनलॉक करने वाला हूँ गेम की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट ओवर पावर्ड फाइटिंग स्टाइल को, जिसका नाम है गॉड ह्यूमन। क्या आप लोगों को फाइटिंग स्टाइल नहीं पता मेरे भाई? ये इस गेम में बहुत सारी ही फाइटिंग स्टाइल्स होती हैं और मे भी बहुत इसमें तो गॉड ह्यूमन को ऑब्टेन या मतलब इसको अनलॉक करने के लिए यार आप लोगों को लगेंगे इस गेम में जितनी भी फाइटिंग स्टाइल्स है मेरे भाई, जितनी भी गेम में फाइटिंग स्टाइल है सब में आपको 400 प्लस मास्टर चाहिए विदाउट सेंगविन आर्ट। एक बहुत ही अच्छी सेंगविन आर्ट फाइटिंग स्टाइल न्यू अपडेट में आई थी और मेरे भाई वो बहुत ही अच्छी फाइटिंग स्टाइल है। मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लगती है बट स्टिल वो बहुत बढ़िया है और मैं उसको अनलॉक करने में लगा हुआ हूँ। अगर आप लोग भी मतलब आप लोग के पास वो है और आप लोग हेल्प करा सकते हो कि मतलब उसको लेविथेन को मार करके, तो आप लोग जरूर से मेरे को डिस्कॉर्ड पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे भाई, और डिस्कॉर्ड की लिंक मेरे कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से मिल जाएगी। तो यार आप लोग याद से उसको ज्वाइन कर लेना और मतलब इसमें बहुत सारी, अब मैं चलता हूँ पहले कैस्टल ऑफ सी और उसको करते हैं अनलॉक। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको रास्ते में ही बताता हूँ। तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट यह है कि इस गेम में जितनी भी फाइटिंग स्टाइल्स हैं विदाउट सेंगविन आर्ट उसको छोड़ करके जितनी भी फाइटिंग स्टाइल्स हैं यार आपको सब में 400 मास्टरी करनी है, ठीक है। लाइक दिस, जैसे मेरे पास डार्क स्टेप डेथ स्टेप है अभी, तो उसके अंदर 400 मास्टरी मैंने कर ली है। ऑब्वियसली मैंने सब में ही कर लिया है, ठीक है। जितनी भी गेम में फाइटिंग स्टाइल है मैंने सबको अनलॉक करके सबके अंदर 400 मास्टरी कर लिया है मेरे भाई, बट विदाउट मेरे पास अभी सेंगविन आर्ट नहीं है। सो सैड, आप लोग अगर हेल्प करा सकते हो तो यार जरूर से मेरे को डिस्कॉर्ड पे कांटेक्ट करना। उसको करने के लिए 5 प्लेयर्स चाहिए होते हैं, तो डिस्कॉर्ड पे जरूर से मुझे मिलना, ठीक है। और मेरे भाई इसकी पहली रिक्वायरमेंट आप लोगों ने सुन ली। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों को कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे इसको ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। मतलब इसको अनलॉक करने के लिए मटेरियल्स चाहिए होगा। पहली चीज है मेरे भाई आप लोगों को 20 टेल्स चाहिए, ठीक है। आप लोगों को 20 फिश टेल्स चाहिए, फिर आप लोगों को चाहिए होगी मैस्टिक ड्रॉपलेट, ठीक है। मैस्टिक ड्रॉपलेट चाहिए होगी आपको 10, ओके। देन यार आप लोगों को चाहिए होगा ड्रैगन स्केल, ड्रैगन स्केल आप लोगों को चाहिए होंगे 10। और ऐसा मत सोचो कि मैं आपको बताऊंगा नहीं कहाँ से ऑप्टेन होते हैं, मैं अभी आप लोगों को पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कि ये कहाँ पर ऑप्टेन होते हैं। और आपको एक और चीज पड़ेगी जरूरत जो कि है मैग्मा ऑर, जो ऑर है मैग्मा ऑर, ठीक है। तो मैग्मा ऑर आपको 20 चाहिए होंगे, 20 फिश टेल्स, 10 मिस्टिक ड्रॉपलेट और 10 ड्रैगन स्केल्स। तो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को ये चीजें कहाँ से मिलेगी। और हाँ, पहले तो यार अगर आप लोगों के पास ऑल फाइटिंग स्टाइल्स में 400 मास्टरी नहीं है तो मेरे भाई आप लोगों को वेट करना होगा। जब आपके पास ये सब वीडियो है, वीडियो को वापस से देखो आकर के और वही चीजें वापस से करो। तो अभी मैं वापस नहीं जाऊंगा, तो एक काम कर लेता हूँ, मैं प्लेयर को रिसेट कर लेता हूँ जिससे कि मैं पूरे कैसल के अंदर चले जाऊंगा। और यार मेन चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये कॉस्ट करती है आपको 5 मिलियन में, ठीक है। 5 मिलियन वैली में करेगा आपको और 5000 फ्रेगमेंट्स, ठीक है। फ्रेगमेंट्स के लिए यार आप लोग छोटे मोटे रेट्स कर सकते हो, लाइक आइस हो गई, फ्लेम हो गई, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। और ये रहे ऑल फाइटिंग स्टाइल्स जैसे मान लो, तो अभी मैं बताता हूँ कि वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई ये काम करता हूँ मैं कि पहले मैं उसको ही ऑन इनेबल कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार मैं उसको अनलॉक ही कर लेता हूँ, उसके बाद ही चलता हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। गॉड ह्यूमन को एक बार मैं यहाँ से अनलॉक कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जाना पहले मेंशन में, मेंशन से यार आप लोगों को एकदम ही सीधे चले जाना है, ठीक है। एकदम ही याद रखना आप लोगों को मेंशन से एकदम ही सीधे जाना है। यहाँ से जाने के बाद मेरे भाई आप लोगों को ऐसे ही जाना है, ठीक है। यहाँ पर सीधे सीधे जाते रहना है, जाते रहना, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा एक एंशंट बंदा इस पेड़ के अंदर, ठीक है। आपको ये पेड़ दिख रहा है इस जो यहाँ पर जो एक हाउस टाइप है जहाँ पे बंदे मिलते हैं ना, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा ऊपर जाना है, बस यहाँ पर आके खड़े हो जाना है, ठीक है। बस यहाँ पर आकर के आपको खड़े हो जाना है। अबे ये क्या हो गया, यहीं पर ही होता है एक गेट, ठीक है। आपको यहीं पर एक गेट सा मिल जाएगा, एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा हाँ, मेरा तो वो ऑन था ना। ऐसे आपको वो चेक कर लेना, जैसे लाइक दिस, ये रहा देखो, ये रहा गेट। आपको ऐसे जाना है नीचे एकदम, ठीक है, पूरे एकदम नीचे चले जाना है। सो यहाँ पर यार आप लोग पहुंच चुके हो गॉड ह्यूमन वाले बंदे के पास, एंशिएंट मॉन्क करके एक बंदा होगा। ओह शिट यार, ये कौन से बंदे आ जाते हैं यार मुझे मारने के लिए भाई। मुझे यही बंदे बेकार लगते हैं, ठीक है। ऐसे ही बंदे मुझे सबसे ज्यादा बेकार लगते हैं पूरी गेम में, बट स्टिल छोड़ो। अगर एक बार जरूर से मुझे आप बता देना। और हाँ यार, मैं अभी V4 के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ, तो यार अगर आप लोग भी V4 कर सकते हो तो प्लीज प्लीज यार एक बार मुझे जरूर से बताना,
डिस्कॉर्ड में, मेरा डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना जिससे कि मुझे पता चल पाए कि यार आप लोग ट्रायल्स कर सकते हो। और यार प्लीज़ से हेल्प करा देना मेरी V4 करने में, जो भी भाई मेरी हेल्प करेगा यार दिल से थैंक यू यार, उसको बस हेल्प करा देना। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ बट यार बंदे यार इतने बड़े बड़े बाउंटी एंटर्स होते हैं मेरे को जीतने ही नहीं देते हैं। सो एक बार जरूर से आना और मेरे को डिस्कॉर्ड से जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इस बंदे से पहले हम लोग टॉक करते हैं और यहाँ पर यहाँ पर इसने मेरे सारे मटेरियल्स यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। और अब ये मुझे कह रहा है कि वुड यू लाइक टू लर्न गॉड ह्यूमन फाइटिंग स्टाइल फॉर 5 मिलियन बेली एंड 5,000 फ्रेगमेंट्स। दिस स्टाइल अलाउज टू यू एलिनेट योर अपोनेंट विद गॉड लाइक अटैक्स एंड हैज़ 4 स्किल्स। मीन समझ रहे हो भाई, 4 स्किल्स है भाई इस पे। सो मैं करता हूँ यहाँ पर लर्न। और हाँ यार, मैंने आपको बताई दी थी कि इसको ऑप्टेन करने के लिए भाई बहुत मेहनत लगी है, एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी है। और हाँ यार, इसके रिक्वायरमेंट्स तो आप लोगों को पता ही होंगे। तो यहाँ पर अब अभी हमारी परमानेंटली खुल चुकी है मेरे भाई। और बट यार यहाँ पर तो 4 दिखा रहा था, यहाँ पर 3। अच्छा वो भी होगा ना, ये क्लिक वाले M1। सो भाई फाइनली मैंने इसे खोल लिया है और मे बी अगली वीडियो में, शायद मैं, अगर आप लोग भी चाहते हो कि यार मैं अगली वीडियो में वो वाली फाइटिंग स्टाइल और इनेबल करूँ सेंगविनार्ड, मैं सेंगविनार्ड को अनलॉक करूँ, तो यार जरूर से यार, तो अगर आप लोग भी वो कर सकते हो तो यार प्लीज़ यार मेरे डिस्कॉर्ड को जरूर से ज्वाइन करना। और अभी मैं ले चलता हूँ यार आप लोगों को कि कहाँ से आप लोग वो वाले, तो पहले अगर आप, पहली चीज़ अगर आप लोगों को मैग्मा और चाहिए, ठीक है, मैग्मा और के लिए यार आप लोग सेकंड सी में जा सकते हो। सेकंड सी में जहाँ पर वो होता है ना मैग्मा निंजास करके, मैग्मा निंजास करके बंदे होते हैं, ठीक है, आप लोग उन्हें मार सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग उन्हें मारोगे तो आपको वो ड्रॉप होगा, शायद कुछ कम ज़्यादा चांसेस हैं वो जल्दी मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ है यार हमारी फिश टेल्स आप 3rd सी में भी कर सकते हो, 1st सी में भी कर सकते हो, तो लेकिन 1st सी में ज़्यादा करना वो ईजी रहेगा, ठीक है। 1st सी में क्या रहेगा कि आपको जल्दी जल्दी बंदे मार पाओगे, आप जल्दी जल्दी उसमें कर पाओगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो 1st सी में जाना यार आप लोग अंडर वाटर सिटी, आप किसी को भी मारोगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देन यार होती है हमारी मस्टिक ड्रॉपलेट के लिए यार आप लोग सेकेंड सी में जाना, और वहाँ पर जो लास्ट आइलैंड होता है स्कल आइलैंड, फॉरगेटन आइलैंड, वहाँ पर आप लोगों को ऊपर वाले बंदे जो पहाड़ के ऊपर होते हैं ना, वहाँ पर मारोगे उन्हें तो यार वो आपको पक्का ड्रॉप करेंगे, ठीक है, वो वहाँ पर ड्रॉप होता है। और सेकंड चीज़ ये, अगर आप और हमें चाहिए होंगे 10 ड्रैगन स्केल्स यार हमें मिलती है यहाँ पर हाइड्रा आइलैंड पे आ जाना, वहाँ पर पोर्टल होगा, पोर्टल के ऊपर इधर आ जाना। तो ये जो बंदे दिख रहे हैं आपको भाई, आप लोगों को इन्हें ही मारना है, ठीक है, सी जैसे ये है ना, इन्हें ही मारना है आपको। एक बारी मैं जी दबा लेता हूँ, हाकी ऑन हो गया है। और ये भाई, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, एक्चुअली बहुत ही बढ़िया है ये, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को इन्हें मारते रहना है, बहुत कम चांस होता है बट यार स्टिल ये आप लोगों को दे देते हैं। तो यही थी आज की कुछ ऐसी अच्छी सी वीडियो। और हाँ यार मैं, और अगर आप लोग भी चाहते हो कि यार मैं अगली वीडियो में उसको अनलॉक करूँ सेंगविन आर्ट को, सो यार जरूर से मेरे डिस्कॉर्ड को जरूर से ज्वाइन कर लेना यार, वहाँ पर आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैं कर सकता हूँ। और हाँ यार, अगर ट्रायल्स कर सकते हो तो जरूर से भाई की, छोटे भाई की हेल्प जरूर से करा देना यार, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि यार कोई मेरी हेल्प करा दे आकर के। सो अगर आप लोग कर सकते हो तो जरूर से मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना। सो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तक के लिए मेरे भाई, बाय बाय।